कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद 2021-22 वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 23% से अधिक की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तहत उत्पादों का निर्यात अप्रैल-जनवरी 2020-21 के लगभग 15.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-जनवरी 2021-22 में 19.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। चावल का निर्यात 13% की वृद्धि के साथ 7,696 मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्जित कर शीर्ष पर रहा, जबकि गेहूं का निर्यात 387% की उछाल के साथ करीबन 1.74 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। साथ ही अन्य मोटे अनाज में 66% की वृद्धि दर्ज हुई, जिसका आंकड़ा बढ़कर 869 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में भी 13% की वृद्धि देखी गई और निर्यात 3.408 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। फलों और सब्जियों के निर्यात में 16% की वृद्धि दर्ज की गई और ये आंकड़ा 1,207 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा है। प्रसंस्कृत फल और सब्जियों का निर्यात 11% बढ़कर लगभग 1.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने यह कैसे हासिल किया? एपीडा कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ जुड़ी रही। 7 मार्च 2022 तक 18 राज्यों ने निर्यात के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है, जबकि अन्य राज्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए कार्यरत हैं। कृषि संबंधित तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि मुख्य रूप से विभिन्न देशों में B2B प्रदर्शनियों के आयोजन, विपणन अभियानों के माध्यम से नए संभावित बाजारों की खोज, क्रेता विक्रेता बैठक के माध्यम से पंजीकृत उत्पादों के भौगोलिक संकेतों के प्रचार कार्यक्रमों के द्वारा संभव हो पाई है। उत्पादों का निर्बाध गुणवत्ता प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए एपीडा ने पूरे भारत में 220 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी है और बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयोगशालाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण में सहायता भी प्रदान कर रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की यह पहले और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि सरकार की इस दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाती है।